नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास हितोपदेश में आपका स्वागत करता हूं। हमने प्रारंभ देखा, विषय प्रवेश करते हैं, सबसे पहले विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य बता रहे हैं। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। भाई, व्यक्ति को विद्या और अर्थ, इन दोनों के लिए इस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए जैसे वो अजर अमर है। अगर हम ये सोच लें कि यार कितने दिन की जिंदगी है, तो क्या ज्यादा कमा के करेंगे, क्या ज्यादा पढ़ के करेंगे? नहीं, जब आप अर्थ का चिंतन कर रहे हैं, यानी जब आप कमाने निकले हैं या जब आप विद्योपार्जन के लिए निकले हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप तो अमर हैं, और अमर हैं तो जिंदगी बड़ी लंबी है। जिंदगी बड़ी लंबी है तो हर प्रकार की विद्या की और हर प्रकार से धन की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जब धर्म का आचरण करना हो तो ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। जैसे यमराज ने आपकी चोटी पकड़ रखी है और किसी भी क्षण तलवार से गर्दन उड़ा देने वाले हैं, इस प्रकार से धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी धर्म के आचरण में ये नहीं सोच सकते हैं कि जो आज करना है कल कर लेंगे या चलो फिर कभी कर लेंगे, नहीं सोच सकते हैं। तो धर्म के आचरण के समय पे जिंदगी बड़ी लंबी है, हो ही जाएगा धर्म, नहीं सोचना है। पता नहीं आज आ जाए या कल आ जाए, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी, तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस भय के साथ धर्म का आचरण करना चाहिए, यानी अधर्म आप कभी नहीं करेंगे। और जब विद्या और अर्थ की बात आए तो आप अजर अमर हैं, इस प्रकार से विद्या और अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर्व द्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहु अनुत्तमम्, आहार्यत्वात् अनर्हत्वात् अदक्षयत्वाच्च सर्वदा। भैया द्रव्य, यहां तर्क संग्रह वाले नौ द्रव्य नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह। यहां द्रव्य का अर्थ है धन। बहुत प्रकार के धन है संसार में, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। कहीं हमें धन के रूप में अपनी पैतृक संपत्ति दिखाई देती है, कहीं जमीन जायदाद दिखाई देती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धन अनुत्तमम, यानी जिसके समान दूसरा कोई धन उत्तम नहीं है, ऐसा विद्या को कहा गया है। क्योंकि दूसरा कोई भी धन हो, लोग आपसे छीन सकते हैं, लोग आपके पास से चोरी कर सकते हैं या उसका क्षय हो सकता है। जबकि विद्या का कभी ना तो उसकी कोई चोरी कर सकता है, ना कोई आपसे छीन सकता है और ना ही कभी उसका नाश होता है। देखिए, मैंने तो यहां तक कहा है कि इस जीवन में आपने जितना पढ़ लिया है, अगले जन्म में इससे आगे की पढ़ाई आपको करनी है, ये सब कुछ तो बड़ी सरलता से हो जाएगा। मैं इसलिए अभी इस अवस्था में, इस उम्र में भी पढ़ता ही रहता हूं कि अब की बार जब पुनः भगवान की कृपा से इसी मनुष्य योनि में और ऐसे ही ब्राह्मण कुल में जन्म मिले, जहां मैं अभी जिस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ाने का अवसर मिले, तो जितना इस समय इस जीवन में पढ़ाया, उससे कहीं आगे और कुछ श्रेष्ठ विद्यार्थियों को दे पाऊं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में ये कहा है, योग भ्रष्ट जो होता है, सुचि नाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो विजायते। तो भैया ये तो योग है, ये साधना है जो कर रहा हूं, तो अगर
इसी साधना के बीच में योग भ्रष्ट होकर के मृत्यु हो जाए तो भैया किसी ऐसे घर में अवश्य जन्म मिलेगा जहां से ये मेरी यात्रा उससे आगे चल पाए। आप भी विद्या को सर्वश्रेष्ठ मान करके और जहां से जैसे जिस प्रकार से जब जो सीख पाए सीखिए। हमारे यहां दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे ये कथा है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको न कोई चोरी कर सकता है, न कोई आपसे छीन सकता है और ना ही इसका कभी नाश होता है। मैंने इसलिए कहा कि ये तो अगले जन्म में भी नाश नहीं होगा, इस जन्म का पड़ा हुआ अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। चलिए विद्या से संबंधित एक और सुंदर श्लोक देखते हैं। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्य मतः परम। देख विद्या ही एक ऐसी चीज है जो आपको श्रेष्ठता प्रदान करती है, उच्च पद श्रेष्ठ लोगों के बीच में ले जा सकती है। जैसे कोई तिनका कोई कचड़ा होता है, नदी का प्रवाह बहता है और श्रेष्ठ नदी के प्रवाह में आकर के वो समुद्र तक पहुंच जाता है, समुद्र जो रत्नों की खान है। इसी प्रकार से जब आप विद्या रूपी नदी में बहना शुरू करेंगे तो आप भी किसी श्रेष्ठ राजा, किसी श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जो आपकी विद्या की वास्तविक कदर करेगा या उसका वास्तविक मूल्य आपको दे पाएगा। और फिर मूल्य मिले ना मिले, भाई श्रेष्ठ लोगों का साथ मिलना यह भी तो एक बहुत बड़ा मूल्य है। तो विद्या ही आपको श्रेष्ठ पद प्रदान कर सकती है। चलिए एक और सुंदर सा श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जब भी विद्या पे निबंध लिखा ये श्लोक जरूर लिखा, क्योंकि यही श्लोक बड़े आराम से याद रहता था। श्लोक बहुत अच्छा है, बात भी इसमें बहुत अच्छी कही गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां लिखा विद्या ददाति विनयम कि विद्या जो है वो आपको विनय प्रदान करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बाद अहंकारी हो जाता है, विनम्र नहीं रहता है। विद्या का जो परिणाम है विनम्रता का मिलना, उसकी जगह पे अगर विद्या आपको अभिमानी बनाती है, देखिए विद्या से स्वाभिमान का आना अच्छी बात, लेकिन विद्या से अभिमान का आना गलत बात है। तो यहां कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है और विनम्र व्यक्ति जो है वो हमेशा पात्र माना गया है, सुपात्र माना गया है। कोई क्रोधी हो, कोई दंभी हो, कोई अभिमानी हो, ऐसा व्यक्ति जब किसी के संपर्क में आता है ना, वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता हो लेकिन थोड़े दिन के अंदर लोग उससे दूर होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे व्यक्तित्व का ये एक भाग होना ही चाहिए कि उसमें विनम्रता हो। जब व्यक्ति विनम्र होता है ना, देखिए विनम्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि दीनता हो, विनम्रता और दीनता में बड़ा अंतर है। विनम्र होना वृक्ष के पास कोई फल ना हो तो वो दीन कहा जा सकता है, फिर भी वो तो छाया देता है, लेकिन वृक्ष के पास सारे फल हों और फिर भी जब वो झुकता है तो इसको विनम्रता कहते हैं। यानी आपके पास कुछ है ही नहीं तब तो दीनता की स्थिति होती है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जब हम किसी की बात को सुनते हैं, किसी की बात पे ध्यान देते हैं तो इसको विनम्रता कहा। तो विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति विनम्र होता है उसको सुपात्र माना जाता है, और सुपात्र व्यक्ति जो है
वो बड़ी सरलता से धन उपार्जन कर सकता है, क्योंकि वो जो कार्य करेगा उस कार्य में उसको सफलता मिलेगी। ये तो सीधी सी बात है। सुपात्र व्यक्ति जब कार्य करने में लगता है ना, तो उसको समस्याएं नहीं आती हैं, उसको सफलताएं ही मिलती हैं। तो यहां कहा गया है कि पात्रत्वात् धनम् आप्नोति। जब आप सुपात्र बनते हैं तो आपको धन उपार्जन सरलता से होता है, और धनात् धर्मम् तथा सुखम्। धन से आप धर्म का अर्जन कर सकते हैं और धर्म से आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, धन से धर्म हो सकता है, इसमें मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन धर्म के लिए धन ही आवश्यक है ये मानने के लिए मैं तैयार हूं। आप समझिएगा कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए धन ही सब कुछ नहीं है। हाँ, धन की भी जरूरत उसमें होती है, तो धन से धर्म की प्राप्ति होती है। और भैया, जो धार्मिक होता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको सुख मिलता है। तो सबके मूल में क्या है? विद्या है। तो विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से सुपात्रता प्राप्त होती है। सुपात्र होता वो धनोपार्जन सरलता से कर सकता है, और धनोपार्जन से धर्मोपार्जन हो सकता है, और धर्मोपार्जन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। बड़ा सुंदर श्लोक है, मैंने कहा कि हमेशा इसी को लिखा है मैंने निबंध में। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। देखिए, विद्या के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है। एक विद्या होती है शास्त्रीय विद्या, शास्त्र वाली विद्या, और दूसरी विद्या होती है शस्त्र वाली विद्या। तो कहते ये हैं कि जो शस्त्र वाली विद्या है ना, वो जब तक आप में सामर्थ्य है तब तक तो सामर्थ्य और शस्त्र का सामंजस्य तो बहुत अच्छा है, तब तक तो वो आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपका सामर्थ्य कम होगा वृद्धावस्था में, वो आपको हास्यास्पद बनाएगी। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैं मथुरा पढ़ा करता था, और वहां एक बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, उनका नाम था मोहन पहलवान। कोई मथुरा का पुराना व्यक्ति होगा वो बता सकता है आपको, क्योंकि मेरा बचपना और उनका बुढ़ापा, ये स्थिति थी। तो कभी मोहन पहलवान का, यानी दारा सिंह के समय पे मथुरा में मोहन पहलवान का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि जब वृद्धावस्था आई तो मोहन पहलवान का घर, जो एक थोड़ा टीले पे बना हुआ था, मथुरा जो है वहां चौबिया पाड़ा जो है वो पूरा टीले पे बसा हुआ है, ऊंचा है, तो वहां तक अपने घर तक जाने में उनको 3 बार बैठना पड़ता था। तो भैया, ये जो शस्त्र विद्या होती है ना, ये जब तक आपके पास सामर्थ्य है, जब तक आपके पास जवानी है, तब तक तो ये आपका बड़ा साथ देती है, लेकिन वृद्धावस्था में ये आपको हास्यास्पद बनाती है। लेकिन जो शास्त्र वाली विद्या है ना, वो हमेशा आपको आदर दिलवाती है, जीवन में कभी भी वो आपको हास्यास्पद नहीं बनाएगी। तो शस्त्र और शास्त्र, इन दो प्रकार की विद्याओं में अगर आप ध्यान दें तो शास्त्र वाली विद्या जो है वो अधिक श्रेष्ठ है, या ये मान लीजिए कि वो विद्या जो है अधिक उपयोगी है, हमेशा साथ देती है। लेकिन जो शास्त्रीय विद्या है, आज की भाषा में कहें जो आपके स्किल्स होते हैं, और एक आपके पास जो प्रैक्टिकल के साथ थियोरिकल नॉलेज होता है, तो जब तक क्रिकेटर खेल रहा है तब तक तो वो ठीक है, प्रैक्टिकल अपना दिखा रहा है, ये शस्त्र विद्या हुई। लेकिन अगर उसने शास्त्रीय विद्या भी, तो फिर वो कमेंटेटर बन सकता है, वो कोच बन सकता है, वो मैनेजर बन सकता है, और इसके लिए कोई उम्र का बात नहीं है कि ये काम आप किसी भी उम्र तक कर सकते हैं। और वहां तो आपको एक उम्र आती तो रिटायर हो जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो भी स्किल्स हैं आपके, जिनको आप प्रैक्टिकल कहते हैं, वो एक एज के बाद कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है।
लेकिन जो आपके शास्त्रीय ज्ञान है, जो आपकी थियोरिकल नॉलेज होती है, वो ऐसा होता है कि आजीवन आप उसका लाभ ले सकते हैं और दूसरों को उसका लाभ दे सकते हैं। चलिए, विद्या को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, अब संस्कार को लेकर के इसके साथ एक सुंदर श्लोक रखा है, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत, कथा छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। भैया, मिट्टी का उस समय पात्र ज्यादातर मिट्टी के हुआ करते थे, आज की तरह इतनी सारी और धातुएं नहीं थी जब ये जमाना था, तो जब मिट्टी के ही पात्र हुआ करते थे, आप कच्ची मिट्टी के पात्र में कोई भी डिजाइन बना दीजिए और फिर उसको पका देंगे ना, तो वो डिजाइन परमानेंट हमेशा के लिए उसमें रह जाएगी। तो नवे भाजने यानी नए बर्तन में लगना संस्कार हो, आप जो डिजाइन बना देते हैं, जो संस्कार आप उसको दे देते हैं, ना अन्यथा भवेत, वो फिर डिजाइन बदलती नहीं है, वो डिजाइन हमेशा के लिए उसमें रह जाती है। तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था में जो संस्कार एक बार बच्चे को मिल जाते हैं, फिर वो बदला नहीं करते हैं। तो हितोपदेश जैसे ग्रंथ का बाल्यावस्था में बच्चों को उपदेश देना और ये सारी सूक्तियां उनको याद करवा देना, जीवन में विद्या का नंबर आए तो उनके मन में चार पांच ऐसी सूक्तियां आ जाएं और उनको ये लगे कि नहीं यार, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल सब बेकार हो जाएगा, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो विद्या तो जरूरी है। तो इस तरीके की बातें अगर उनके पास ये संस्कार के रूप में पहुंच जाए ना, तो आजीवन वो संस्कार फिर समाप्त नहीं होते हैं, घड़ा फूटते फूट जाएगा, लेकिन जो डिजाइन जो आकार उसका दे दिया गया है, जब वो कच्चा घड़ा है, वो आकार और वो डिजाइन फिर बदलती नहीं है। इसी प्रकार से बाल्यावस्था में बालक को जो संस्कार दे दिए जाते हैं, वो संस्कार फिर उसके कहीं नहीं जाते हैं और आजीवन वो उनपे चलता है। तो भैया, बच्चों को वो संस्कार कैसे दिए जाएं, इसके लिए इस हितोपदेश की रचना हुई, मित्र लाभा सुहृद भेदो विग्रह संधिरेवचा पंचतत्रा तथा अन्यस्माद् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। तो इस हितोपदेश की रचना कैसे कर रहे हैं उसको बताते हैं कि इसके भाग हैं, एक है मित्र लाभ, एक है सुहृद भेद, विग्रह संधि, ये जो पांच तंत्र हैं पंचतंत्र में से इन सब चीजों को लिया गया है और कुछ चीजें अन्य ग्रंथों से लेकर के और इस हितोपदेश की रचना की जा रही है। चलिए, अब ये हितोपदेश क्या है इसकी कथा अगले वीडियो से शुरू होगी। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का।